आप सभी लोगों को नमस्कार। आई एम अरुण कुमार फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन लोकल क्लासेस। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर सर्वेश कुमार, जिन्होंने अभी एसएससी मेंस का एग्जाम दिया है और इन्होंने एसएससी प्री में भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, अराउंड 136। और मेंस में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस तरीके से अभी देख रहा है एग्जाम, तो आइए आपको बताएंगे इसके बारे में कुछ सजेशन। हाँ मिस्टर सर्वेश कुमार, मैं सर्वेश रंजन आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कैसे पढ़ाई करें, मैंने कैसे की, कैसे मेरे प्री क्वालिफाई हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगा। ये मेरा एसएससी जेई का फर्स्ट ट्राई था, मैंने दिया, इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत करी थी, किस तरह से मैंने पढ़ाई की थी ये मैं बताता हूँ। मैंने मई 2017 से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया और हर दिन लगभग 6-7 घंटे पढ़ाई करता था मैं, क्योंकि होता क्या है, हम इंजीनियर्स हैं, हम ये मान लेते हैं कि हाँ लास्ट के टाइम में मैं पढ़ लूँगा, हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको लगातार मेहनत करना होता है, बिल्कुल, तब जाके सफलता मिलती है। मई से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, हर दिन 6-7 महीने पढ़ता था और मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी, मैं वहाँ से प्रॉपर नोट्स बनाता था और बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक मैंने अपने पास रखी हुई थी, लगभग सारे सब्जेक्ट्स की बुक मेरे पास हैं स्टैंडर्ड बुक, जैसे मैंने बंसल की फ्लूइड मैकेनिक्स रखी हुई है, सॉयल मैकेनिक्स की, एस के घर की बुक, मतलब इस तरह से मैंने लगभग सारी बुकें रखी हुई है अपने पास। और मैं कोचिंग में पढ़ता था, वहाँ से क्लासेस लेने के बाद जो मैं नोट्स बना के आता था उसको पढ़ता था और कोशिश करता था कि और ज़्यादा से ज़्यादा मेटेरियल कहाँ से मिले मुझे, तो मैं जो बुक्स थे बुक्स को भी पढ़ के नॉलेज देते रहता। मिस्टर सर्वेश कुमार बता रहे हैं कि जो 136 स्कोर किया उन्होंने प्री में, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है उसके बारे में आपको ये सजेशन दे रहे हैं जी। तो बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ते रहना चाहिए और लगातार पढ़ना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ते ही रहें, क्योंकि होता क्या है कि हम परेशान हो जाते हैं, अगर एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता, 2-3 ट्राई में जिसका नहीं होता वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, फिर समझ में नहीं आता किस तरह से पढ़ाई करें, पर ऐसा नहीं है, आप लगातार पढ़िए, आप ब्रेक मत दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम आज 2 दिन पढ़े, 2 दिन पूरे टाइम पढ़ लिए कि हाँ मैंने 12-12 घंटे पढ़ लिए, फिर अगले 2 दिन मैंने गैप कर दिया, ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो 2 दिन जो आपने पढ़ाई की है वो खत्म हो जाएगा। तो आप जितना भी कर सकते हैं अपने से 2-4 घंटे कंसिस्टेंसी रखें, उतना लगातार पढ़ें, और जब आप पढ़ने बैठे हो तो सिर्फ पढ़ाई करें, कोशिश करें कि अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दें, बिल्कुल, जब आप पढ़ने से बोर हो जाए, लगे कि हाँ मैंने काफ़ी देर पढ़ लिया अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट हो लेना चाहिए, तब आप अपने फ़ोन को ले सकते हैं, आप घूम सकते हैं, आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, पर लगातार पढ़ते रहें, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि ये मान लें कि हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, दिन भर में पढ़ने ही बैठा हूँ कुछ कर नहीं रहा हूँ, ये भी गलत तरीका है। एक चीज़ और भी होती है सर्वेश जी, जैसे किसी स्टूडेंट की अच्छी प्रिपरेशन रहती है बट जब वो एग्ज़ाम देने जाता है, जब वो सिस्टम में बैठता है, जिसका फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट वगैरह हो, तो वो उतना बेस्ट नहीं कर पाता, या तो उसकी प्लानिंग नहीं रहती एग्ज़ाम देने की, तो किस तरीके से सिस्टम पर जब बैठते हैं कैसे स्टार्टिंग की जाए पैटर्न की, किस तरीके से क्वेश्चन को पहले पिकअप किया जाए या किस टॉपिक को पहले उठाया जाए प्री के लिए जो बेस्ट हो सके। प्री के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि आप पहले टेक्निकल पोर्शन करें, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि इसका आंसर क्या है, आपको पता है कि अगर ये आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आप छोड़ के आगे बढ़ें। रीजनिंग में क्या है, अगर आप किसी का होता है रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, वो सोचते हैं कि हम रीजनिंग को पहले करेंगे तो हम जो है कि अच्छा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है, रीजनिंग में आपको पता है आप कर सकते हैं, लगभग लोग रीजनिंग को कर लेते हैं, पर क्या होता है कि आपको तब ऐसा लगता है जैसे कोई क्वेश्चन है वो नहीं बन रहा है, आप सोचते हैं अरे तो ईजी है बन जाना चाहिए मुझसे, मैं इसे बना के छोड़ूंगा, और आप उसको बनाने पे पड़ जाते हैं और आपको अंदाजा नहीं होता कि आपने बहुत सारा समय उसे बनाने में वेस्ट कर दिया है। तो आप पहले टेक्निकल क्वेश्चन को करें और उन क्वेश्चन को करते चले जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं और जिनमें आपको थोड़ा भी शक लग रहा है उसे आप छोड़ के आगे बढ़ जाए। जैसे इस पर मैंने जब दिया था तो मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होते थे मैं ये मान के चल रहा था कि मैं इसे स्किप कर रहा हूँ, मैं लास्ट में अपना टाइम बचा के और न्यूमेरिकल को करूँगा, क्योंकि न्यूमेरिकल कितना भी ईजी हो उसे मुझे ये पता था कि उसे सॉल्व करने में टाइम लगेगा और मार्क्स उसके नहीं है जितने बाकी सारे मार्क्स हैं, तो मार्क्स के मैं क्यों इधर टाइम वेस्ट करके और अपना एग्जाम खराब करूँ, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल को छोड़ते हुए आगे बढ़ते गया मैं। और इसके बाद लगभग 40 मिनट में मैंने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, अराउंड 62-65 टेक्निकल क्वेश्चन मैंने कर लिए थे। उसके बाद मैंने जीएस किया और जीएस
ट्यूटी क्वेश्चन होते हैं, पर अगर आपको आंसर पता है तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ सॉल्व करना है नहीं, कुछ सोचना है। अगर आपको आता है तो आप कर सकते हैं, नहीं आता है तो नहीं कर सकते। तो वो 10 से 15 मिनट काफ़ी समय होता है जीएस पोर्शन के लिए। बिल्कुल। और उसके बाद आप रीजनिंग, मेरी रीजनिंग थोड़ी वीक है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था रीजनिंग में, पर उस फिर मैंने लगभग 10 मिनट अपने लिए बचा लिए थे। 10 मिनट बाद में मैंने फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिव्यू करने के लिए, क्वेश्चन को दोबारा देखने के लिए, जिन क्वेश्चन को तो उन्होंने ये बताया कि आप जो स्टार्टिंग करें पहले वो उस टॉपिक से करें जिसका आंसर आपको पहले से पता हो। रीजनिंग से आप जनरली स्टार्ट करते हो तो आपको उसके आंसर पता नहीं होते, उसकी आपको टेक्निक पता होती है किस तरीके से हमें करना है क्वेश्चन। लेकिन आंसर आपको किसके पता होंगे डायरेक्टली, टेक्निकल के, वो इन्होंने बताया। जैसे लाइक वो जीएस हो गया आपका, कम टाइम लेगा, लेकिन रीजनिंग आपकी टाइम टेकन होती है तो उसके हिसाब से आप उसे लास्ट में रखें। बिल्कुल। तो उस हिसाब से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, तो ये अपने बारे में उस बारे में ही बता रहे हैं। तो उसके बाद में जैसे प्री होता है, उसके बाद में आपने जैसे मेंस की तैयारी करी, तो मेंस की तैयारी के लिए क्या क्या पैटर्न रखा आपने मेंस के लिए? क्योंकि आपका रिजल्ट जो आ गया था प्री का 13 अप्रैल को आया था, और 29 को ही पेपर करा दिया एसएससी ने, मतलब एक झटका दिया है सभी बच्चों को, तो उसमें तो रिजल्ट को भी काफ़ी लोड पड़ा होगा इतने कम टाइम में। और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी उसके लिए? वैसे तो हम लोग थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे थे, उम्मीद थी कि हो जाएगा, जैसे जब आंसर की आई थी तो हमने देखा था कि कैसे मार्क्स आ रहे हैं, मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, पर श्योर नहीं थे। और जैसे कुछ लड़कों के जिनके 100, 110, 115 मार्क्स थे, वो भी लगभग श्योर थे कि हो जाएगा। पर जिस तरह से इस बार एसएससी ने किया है, सीट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। बिल्कुल। 263 या 265 सिविल इंजीनियरिंग 265 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा कम सीट हैं, बहुत कम है। पिछले साल तक हम देखें तो 900-1200 इस तरह से सीटें होती थी, और अचानक से 263 सीट, तो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी सीटें, जिसकी वजह से कट ऑफ हुई है। वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली गई, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई है। 117 कट ऑफ सिविल की शायद पहली बार गई है, मायने रखती है। और एससी की आपकी 102 जो पहले पिछली बार जनरल की 100 थी, हाँ उससे भी ज़्यादा एससी की कट ऑफ गई है। तो फिर भी मुझे ये पता था कि शायद मेरा हो जाए, क्योंकि मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, तो मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रहा था, पर उस तरह से नहीं पढ़ रहा था जितना पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों को अगर लगता है कि इतने मार्क्स आपके फ्री में आ रहे हैं, तो आप शुरू से ही तैयारी करना शुरू कर दें। ऐसा ना सोचे कि जब रिजल्ट आएगी, एसएससी रिजल्ट देगी, तो मैं फिर उसकी तैयारी शुरू करूँगा, क्योंकि बहुत लड़के ऐसा सोचते हैं, या फिर कुछ ये होते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, इसलिए वेट कर लेता हूँ, जब रिजल्ट आ जाए तो फिर मैं इसकी प्रिपरेशन शुरू करूँगा। बिल्कुल। ये गलत तरीका है, अगर आपको लगता है थोड़ा भी चांस है तो आप पढ़ना शुरू कर दें। हमारे साथ क्या हुआ, हम वेट इंतजार में थे, डेट बढ़ चुकी थी रिजल्ट आने की, पहले कुछ और डेट था, बाद में डेट बढ़ गई, और 14 अप्रैल को रिजल्ट आई थी। उसके बाद अचानक से उस दिन डिक्लेयर हो गई कि जो 29 अप्रैल का जो डेट था, वो पहले से वही फिक्स कर दिया गया, वही फिक्स कर दिया। हमारे पास प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा कम समय बचा था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, फिर भी जितना हो सका हमने किया, काफ़ी मेहनत करी उसके पीछे। अब तो एग्ज़ाम दे दिया है, देखिए क्या होता है। लेकिन इस बार जैसे पहले के हिसाब से पैटर्न के हिसाब से सभी स्टूडेंट चल रहे थे, न्यूमेरिकल पैटर्न को अपना अच्छा कर रहे थे, और जो उनका थ्योरी पार्ट था वो उतना बेटर नहीं था, तो उनको तो काफ़ी दिक्कत हुई है इस बार एग्जाम करने में, जैसा आया है समझ में क्वेश्चन पेपर देखकर। तो क्या इस बार ये काफ़ी चेंज था इस बार पैटर्न से? मैं बता रहा हूँ, जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, मेंस का जब मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था, उस समय मैं वीडियोस देखते रहता था, यूट्यूब पे कई सारे वीडियो मिल जाते हैं, तो वहाँ पे मैं एक्सपर्ट्स लोगों के आइडियाज लेता था कि क्या वो बता रहे हैं। तो जहाँ तक जितने भी वीडियोस मैंने देखे थे, लोगों ने यही कहा था कि अगर आप थ्योरी पोर्शन के पीछे जाते हैं तो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें मार्क्स सही नहीं मिलते हैं, मार्क्स तो बेटर होगा कि आप न्यूमेरिकल पोर्शन के पीछे जाएं। वो 4-5 सब्जेक्ट बताते थे कि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छा करें, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज वो स्ट्रक्चर को देते थे कि आप सोम को अच्छे से पढ़ें, और आप आरसीसी अच्छे से पढ़ें, स्टील अच्छे से पढ़ें, फ्लूइड अच्छे से पढ़ें जी। तो ये सारे आइडियाज वो देते थे, पर इस बार का जो मैंने पैटर्न देखा है वो बिल्कुल ही अलग है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सोम का सिर्फ एक क्वेश्चन 25 मार्क्स का, वो भी एसएमडी पीएमडी का क्वेश्चन था, और काफ़ी लेवल का क्वेश्चन था, जो कि एज ए डिप्लोमा स्टूडेंट हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। स्टील की बात करें तो वो ट्रस का क्वेश्चन था, वेल्डिंग का, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन था। आई थिंक मैंने उसे पूरा कर भी नहीं पाया, जबकि मैं ये मानता था जब मैं तैयारी करता था मेरा स्टील, सोम, ये सारे सब्जेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, स्टील मेरी काफ़ी अच्छी है, पर उस क्वेश्चन को मैं पूरी तरह से नहीं कर पाया। इस तरह का क्वेश्चन था, वो समझ में नहीं आ रहा थी। न्यूमेरिकल जो बोले हम स्लैब डिजाइन की क्वेश्चन,
मीन्स आपके हिसाब से अगर मिस्टर सर्वेश कुमार जी के हिसाब से जाने तो आपको हर फील्ड को तैयार करना पड़ेगा अच्छे तरीके से। आप ये नहीं कह सकते कि मैं न्यूमेरिकल पार्ट्स करके ही सिलेक्शन ले लूंगा, मीन्स के हिसाब से आपको थ्योरी भी बहुत बढ़िया करनी पड़ेगी। जैसे कि चेंज किया है एसएससी ने, हाँ जैसे क्या किया, पहले क्या होता था न्यूमेरिकल पोर्शन काफ़ी होते थे, पर इस बार हर एक, जैसे हमें 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन करना होता है, पर हर 5 क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल तो 2 से 3 थ्योरी क्वेश्चन है। इस तरह से मतलब थ्योरी काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल, मैंने भी पैटर्न देखा था उसका, काफ़ी चेंज था पैटर्न, बहुत ज़्यादा मैंने भी देखा था जी। बस क्वेश्चन का लेवल भी सर इस तरह का हो गया है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि इस टॉपिक को छोड़ देता हूँ, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जा रहा है, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। वो हर तरह के, जैसे सर्वे का एक क्वेश्चन था सर मैं बताना चाहूँगा, वो लोकल अट्रैक्शन का, जिसमें कि किसी भी स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन नहीं है, जनरली हम इसको छोड़ के चलते हैं कि काफ़ी हाई लेवल का हो गया, पर वो क्वेश्चन दे रहा था, वो क्वेश्चन सॉयल मैकेनिक से आप मोहर सर्कल को एग्जाम में बनाने के लिए दीजिए, मोहर सर्कल बनाना, कंपास लेके जाना काफ़ी डिफिकल्ट बात होगी, और 2 घंटे का ही आपके पास टाइम है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। मीन्स अब जो आगे आने वाले बच्चे होंगे उनको आप यही सलाह देना चाहोगे कि अपने हर पार्ट को बेटर करें और बेहतर, और आप ये मत मान के चले कि हम किसी चीज़ को छोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हर एक लेवल तक पढ़ें, और अगर आपको लेवल तक पढ़ना है तो आपको बहुत डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी और शॉर्ट ट्रिक आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप जो भी, या तो किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट हो या फिर नेक्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी अटैम्प्ट हो, किसी का नहीं हो पाया इस बार सिलेक्शन, तो पूरी कोशिश करें कि अभी से ही तैयारी करने में लग जाए। कोई भी आप लाइक इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन कीजिए और उसके हिसाब से आप क्या करने की कोशिश कर सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक्स किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं कम टाइम में, वो चीज़ मायने रखती है। ये नहीं कि आप 1 घंटे किसी क्वेश्चन को लेकर बैठ गए, क्योंकि ऐसा होता है क्वेश्चन तो सब कर लेते हैं, अगर हम अभी उस पेपर को लेकर बैठ जाए तो शायद सारे क्वेश्चंस कर लें, पर आपके पास लिमिटेड टाइम है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे, और 2 घंटे में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं और कई सारे क्वेश्चंस करने हैं ताकि आप बीट कर सको एग्जाम को। बिल्कुल, आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी, वहाँ पे वही तरीका काम आएगा कि आप कितने कम से कम समय में कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हो। बिना गाइडेंस के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बिना गाइडेंस के ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो गाइडेंस आपको अच्छी मिलनी चाहिए और अच्छे लोग होने चाहिए जो कि आपको अच्छी गाइडेंस दें। तो ये मिस्टर सर्वेश कुमार थे जिन्होंने प्री में बहुत अच्छा स्कोर किया और मेंस में इनका भी एग्जाम अच्छा गया है काफ़ी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनका अच्छा स्कोर होगा, इनका सिलेक्शन भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, अच्छा डिपार्टमेंट इन्हें मिलेगा। और आप भी बिल्कुल भी वेट ना कीजिए, जैसा भी है नेक्स्ट रैंक के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और जल्दी से कोशिश कीजिए कि अपने जो भी बेसिक्स हैं उन्हें बेटर कर सकें। थैंक यू मिस्टर सर्वेश कुमार यहाँ पर इस लेक्चर के लिए, थैंक यू सो मच।